यहाँ पर मैंने आधा किलो भुजिया को फ्रीजर कर दिया था, मतलब धो के वॉश करके मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल दूँ इसमें एक कोल्ड मसाला, और फ्रीजर हुआ दही था बाजार का वो है, और जो दही मैंने जमाया है वो भी मैं इसके अंदर शामिल करके इसको रख दूँगी। अभी बनाऊँगी नहीं, बस कोर्मे को मैं इस तरीके से करके रख दूँगी। और इसके अंदर ना मैं थोड़ी सी किसी भी मिर्ची भी शामिल कर रही हूँ, बस किसी मिर्ची और अदरक लहसुन लेके आती है अभी, और ये अदरक लहसुन डाल के और इसको जो है मैं रख दूँगी फ्रिज में, और जब मैं इसको पकाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं कर रही हूँ तारी की तैयारी, वो मैं दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने जो है ना तारी में चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, और यहाँ पर जो है मैं प्याज को काट के और प्याज चॉप करके जो है कौरमे में डालूंगी। बहुत से लोग जो है प्याज काट के उसको फ्राई करते हैं, फिर फ्राई करके उसको निकाल देते हैं, तो मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करती। मैं जो है प्याज को चॉप कर लेती हूँ और चॉप करने के बाद डाल देती हूँ, और उसके अंदर मैं, आप चाहें तो घी इस्तेमाल करें, ऑयल इस्तेमाल करें, मैंने घी इस्तेमाल करा है क्योंकि मुझे कौरमा ज़रा घी में ही अच्छा लगता है, खुशबू आती है ज़रा घी की। तो यहाँ पर घी जो है अच्छी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो मैंने प्याज चॉप करी है वो सारी जो प्याज है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। देखें कितनी फाइन चॉप हुई है, और ना इस तरीके से आसानी रहती है ना कि आप पहले प्याज स्लाइस में काटें, अच्छा फिर उसको निकालें, फिर उसको वाप वैसे भी हमने वापस निकाल के उसको फ्रेश करना होता है। बहुत से लोग दही के साथ उसको वो है ग्राइंडर कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं प्याज को चॉप करके उसको गोल्डन कर लेती हूँ, और गोल्डन करने के बाद मैं सारा जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मैंने इसमें दही डाला है, थोड़ा सा बाहर का डाला था, और बाकी जो भी ये ऊपर से सारा दही नज़र आ रहा है ये मैंने घर में बनाया था। प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है, अब हमें अच्छा दही मैंने जो बाहर से लिया था वो भी फेंट के नहीं डाला, और जो मैंने घर में जमाया था दही वो भी मैंने फेंट के नहीं डाला है, क्योंकि अगर आपको दानेदार कोरमा बनाना है तो ये याद रखिएगा, कभी भी दही को फेंट कर मत डालें। अगर घर में जमाया हुआ दही है तो फिर आपको काटने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एज इट इज़ आपने जिस भी चीज़ में डाला है मतलब जमाया है वो ऐसे ही काट के निकाल लें, और अगर बाहर का दही है तो उसको बिल्कुल फेंटे नहीं, तो इंशाल्लाह आपका जो कोरमा है वो दानेदार बनेगा। और प्याज जो हम डालते हैं कोरमे के अंदर, जो प्याज ब्राउन करके निकाल लेते हैं, तो उसको जो है आप धर धरा कूट लें तो कोरमा दानेदार बनेगा। लोग क्या करते हैं गलती, उसको ग्राइंडर कर लेते हैं, पीस लेते हैं, तो पीसनी नहीं चाहिए, और अपने टेस्ट के हिसाब से बात है। अगर कोई बिल्कुल ही जो उसकी ग्रेवी होती है कोरमे की महीन खाना पसंद करता है तो वो पीस ले, लेकिन मुझे जो है वो कोरमे की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी दानेदार पसंद है, तो इसलिए ये दो एक छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ। एक दही को फेंट के मत डालें, और दूसरा जो आपकी प्याज है उसको धड़धड़ा रखें जैसे कि मैंने अभी रखी है। तो मैं जब भी चिकन कोरमा बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, इसमें इजी हो जाता है मुझे, प्याज पूरी फ्राई करके निकालनी नहीं पड़ती। अब इसको मैं 2-4 मिनट भूनूंगी, और भूनने के बाद इसको बस हम आधा गिलास पानी डालेंगे और इसको हम दम पे लगाएंगे चिकन को। लेकिन मैं इसके अंदर इसको चिकन को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2-3 आलू डालूंगी, क्योंकि आलू आपको पता है कि मेरा बेटा खाता है और वो कुछ नहीं खाता, तो मुझे मजबूरन आलू डालने पड़ते हैं। आप चाहें तो आलू डाल दें, अच्छे लगते हैं, और नहीं डालना चाह रहे तो कोई बात नहीं, आप आलू को स्किप कर सकते हैं। बस 5-10 मिनट इसको भूनेंगे। नमक हसबे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितना आपको खाना पसंद है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी आलू, और इसके अंदर जाएगा 1 गिलास पानी, जो कि वो आलू को गलाने में मदद करें, और मैं इसको 20-25 मिनट पकाऊंगी, जब तक ये पानी भी खुश्क हो जाएगा, आलू भी गल जाएगा, और हमारा कोरमा रेडी होगा। चले जल्दी जल्दी से पेड़े बना लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि रमज़ानों में आप गिफ्टिंग किया है, और मुझे सहरी बना के रोज़ा रख के फिर मैं सो जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं उठूंगी सुबह, बच्चों को स्कूल भेजूंगी, फिर थोड़ा लेटने का टाइम मिलेगा, बच्चे अच्छा 11 बजे छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, फिर 11 बजे बच्चों को लेके भी आना होता है, बच्चों को लेके आऊंगी, फिर उसके बाद सारा दिन बच्चों में गुजर के शाम में फिर वही इफ्तारी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरा आटा जितना भी था वो ख़त्म हो गया है, और जितने भी 3-4 पराठे बनेंगे वो मैं बना लूँगी, जितना खाने में आएंगे ठीक, और जो बचेगा वो सुबह
बच्चों के काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से पराठे बना के, बच्चे सो रहे हैं और ये नीचे हमारी माँ भी सो रही है, देखिए उधर सामने सब सो रहे हैं, हस्बैंड अब्दुलादी हफ्सा सब सो रहे हैं, ये हमारी माँ। अब मेरे जाते ही उठ जाएगी, 3:15 हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी हस्बैंड को नहीं उठा रही, मैं बाद में उठा रही। चाय में देखें कितने अच्छे तरीके से उबाल आ गया माशाल्लाह। अच्छा, हस्बैंड को मैं जब बिल्कुल पराठे रेडी हो जाते हैं तो मैं तब उठाती हूँ, बस अभी थोड़ा सा चाय और पक जाए उसके बाद मैं पराठे डालना शुरू करूँगी। पराठे ये मैंने देखें, ये लोइयाँ बना के रख दिए, घी लगा के अब से इसको बेल लें और जल्दी जल्दी से हम इसको सेकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये दही है जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो मैं रोज़ इसी तरीके से दही जमा के और ऐसे रख देती हूँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसी होगी। और बस ये काउंटर है, बस अब हम पराठे वराठे बेलेंगे और सैरी बनाएंगे। ये देखें वो दही जमी हुई है सामने, ये सालन है, ये दूध है, बस चले। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है, अब इसको जल्दी जल्दी से निकालते हैं क्योंकि सैरी मैंने लगा दी है और अब हम सैरी करने बैठ रहे हैं। ये वाली खाली है, ये चलते हैं उसे खाएंगे। ये नहीं,